हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। हमारी पिछली वीडियो थी एक्सिस बैंक के प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि एक्सिस बैंक प्री अप्रूव्ड कार्ड देती है, बट वो कौन सा कार्ड होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक्सिस बैंक मोस्टली जब प्री अप्रूव्ड कार्ड देती है तो वो एक्सिस बैंक अपनी माईजोन क्रेडिट कार्ड देती है लोगों को। और अगर माईजोन क्रेडिट कार्ड के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने माईजोन पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है माईजोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर में। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक्सिस बैंक के माई चॉइस क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं एक्सिस बैंक की वेबसाइट। हम आ चुके हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पे और हम ढूंढ लेते हैं एक्सिस बैंक के माई चॉइस क्रेडिट कार्ड को और जानते हैं उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा माई चॉइस क्रेडिट कार्ड। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसे बज क्रेडिट कार्ड जो था वो फ्लिपकार्ट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, कि जो फ्लिपकार्ट यूज़र्स हैं उनके लिए, और लाइक विस्तारा क्रेडिट कार्ड जो है वो ट्रैवलर्स के लिए है, वैसे ही ये जो माई चॉइस क्रेडिट कार्ड है इसमें दो खास फीचर्स आपको फ्रेंड्स मिलते हैं। पहला ये कि आप इसे एक आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इस पर अपना फ़ोटो डलवा सकते हैं फ्रेंड्स। लाइक किसी भी कार्ड पे नॉर्मली एक इमेज होता है या जो कंपनी सेलेक्ट करके रखती है कार्ड आपको उस डिज़ाइन का होता है, बट आप इस कार्ड को अपने हिसाब से मैनुअली इसे रीडिज़ाइन करवा सकते हैं, अपनी फ़ोटो अपलोड करके या कोई भी फ़ोटो इनकी गैलरी से सेलेक्ट करके आप इसे चेंज करवा सकते हैं। यानी कि पूरी कस्टमाइज डेबिट क्रेडिट कार्ड होगी ये आपके लिए। और दूसरी खास फीचर ये है फ्रेंड्स कि इस कार्ड में किसी दो पेमेंट ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करके उन पर डिस्काउंट्स ले सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ आप देख सकते हैं डिज़ाइन योर कार्ड, यहाँ लिखा है कस्टमाइज योर कार्ड बाय अपलोडिंग एन इमेज ऑफ योर चॉइस और चूज फ्रॉम आर एक्साइटिंग गैलरी ऑफ इमेजेस। तो फ्रेंड्स, आप उस कार्ड पर अपनी खुद की इमेज भी छपवा सकते हैं अपलोड करके, या फिर इनके गैलरी में जो इमेजेस हैं उनमें से कोई एक भी सिलेक्ट करके इन्हें दे सकते हैं, तो आपके कार्ड पर वही इमेज प्रिंट होके आएगी। दूसरा है फ्रेंड्स, डाइनिंग पे आपको इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे मिनिमम 15% का ऑफ मिलेगा। फ्रेंड्स, जो इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ से आप देख सकते हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे KFC है, तियारा है, फिशरमैन्स है, वैसे बहुत सारे चेन्स भी हैं जो इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ ये जो मैं बता रहा था मेन एक डिज़ाइन योर कार्ड के अलावा जो दूसरी सबसे मेन बेनिफिट है इस कार्ड की वो ये है, गेट 5% कैशबैक ऑन एनी टू स्पेंडिंग कैटेगरीज ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ फ्रेंड्स 6 कैटेगरीज दे रखी हैं इन लोगों ने, जो कि डाइनिंग, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलिटी बिल्स, ट्रैवल, सुपरमार्केट्स। तो आप इसमें से किसी दो कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं और उस पर स्पेशली 5% का हर एक ट्रांजेक्शन पर डिस्काउंट ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एक्सिस में जब आपका ये कार्ड अप्रूव हो जाएगा उसके बाद अपने एक्सिस मोबाइल ऐप में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों पर डिस्काउंट चाहिए। जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आप उन पर सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, और हर ट्रांजेक्शन पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड्स आपको इस पर। और ये कार्ड आपका EMV चिप वाला कार्ड है, जैसा कि आप जानते हैं कि अब सारे कार्ड्स EMV चिप वाले ही आते हैं। और फ्रेंड्स, ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड भी रहेगा, जो कि आप कॉन्टैक्टलेस टर्मिनल्स पे 2000 तक की पेमेंट कर सकते हैं बिना अपने पिन को एंटर किए या फिर बिना कार्ड उन्हें दिए वायरलेसली। अगर आप 2500 या उससे ऊपर की परचेजेस करते हैं तो आप उन्हें EMI में चेंज कर सकते हैं। 3 मंथ्स से लेकर 12 मंथ्स के ऑप्शन रहते हैं आपको फ्रेंड्स इस पर। और एक्सिस के रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको इस पर मिलते हैं फ्रेंड्स, 200 रुपये स्पेंड करने पर 4 पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर इनके पार्टनर जो भी टर्मिनल्स हैं या फिर लाइक फ्रीचार्ज ले लीजिए, वो एक्सिस बैंक का ही है, तो आप उन पर अगर ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर जो भी इनके पार्टनर्स हैं उनके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और यहाँ ये भी लिखा है 100 पॉइंट्स ऑन फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो एक्टिवेशन के बाद जो सबसे पहले आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे उन पर ये आपको बोनस दे रहे हैं, 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगी यहाँ पर। और फ्रेंड्स, 1 पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं बहुत सारे वाउचर्स के
लिए, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं इनके रिवॉर्ड के स्टोर में, वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या फिर किसी भी बुक माई शो या फिर KFC या डोमिनोज किसी का भी वाउचर ले सकते हैं फ्रेंड्स आप इसमें। यहाँ डिस्क्लेमर भी आ रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2013 कम्प्लीमेंट्री मास्टर कार्ड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर माई चॉइस क्रेडिट कार्ड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि अगर आप माई चॉइस कार्ड्स होल्डर हैं तो 2013 के बाद से आपको इस पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है। जो फ्रेंड्स विस्तार क्रेडिट कार्ड वालों को या फिर प्लेटिनम सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड वालों को या फिर माई जोन क्रेडिट कार्ड वालों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल रहा है फ्रेंड्स अभी भी, बट माई चॉइस वालों को 1 मई 2013 के बाद मिलना बंद हो गया ये, और माई विंग्स वालों को मिलता है। हमारी अगली वीडियो फ्रेंड्स माई विंग्स क्रेडिट कार्ड के बारे में ही होगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड्स सबसे पहले ये कि आपकी एज जो है 18 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं इस कार्ड के तो आपकी एज 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, और अगर एड ऑन कार्ड कोई बनवाता है तो फिर उसकी एज 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप या तो फिर भारतीय नागरिक होना चाहिए या फिर NRI होने चाहिए आप। फिर भी बैंक के पास राइट होता है कि वो आपके कार्ड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है अगर उन्हें कुछ गड़बड़ी लगती है तो। अब आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको इस कार्ड के लिए, जो कि नॉर्मली सारे कार्ड्स के लिए लगते हैं। आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का फोटोकॉपी या फिर फॉर्म 16 फॉर्म 60, फिर कलर फोटोग्राफ, लेटेस्ट पे स्लिप या फिर फॉर्म 16 या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जिससे आप अपने प्रूफ ऑफ इनकम को दिखा सकते हैं उन्हें। रेसिडेंस प्रूफ में फ्रेंड्स आपको पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लैंडलाइन टेलीफोन बिल देना होगा। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी फ्रेंड्स आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड दे सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो फ्रेंड्स मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें और क्या करें। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ ये भी लिखा आ रहा है कि इस कार्ड को अप्लाई करने के 21 दिन के अंदर बैंक वाले आपको कॉन्टैक्ट करके बता देंगे कि आपका कार्ड अप्रूव होगा या नहीं। आजकल बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सिस बैंक प्री अप्रूव्ड माई जोन क्रेडिट कार्ड दे रही है, आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत से लोगों का कमेंट आया था, वो लोग पूछ रहे थे क्या एक्सिस बैंक डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे। तो नहीं फ्रेंड्स, अगर आपका कार्ड जो है वो प्री अप्रूव्ड है तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने आपकी एलिजिबिलिटी देख के आपको वो अप्रूव किया है कार्ड, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स उसके लिए नहीं देने होते हैं। ये फीस और चार्जेस को देख लेते हैं इस कार्ड के। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस जो है वो आपको 250 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही कम है बाकी कार्ड्स के मुकाबले। एनुअल फ़ीस की फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर के तो नील है, सेकेंड ईयर से 250 रुपये है आपकी। इमेज कार्ड फ़ी का आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा है, अगर आप इमेज कार्ड बनवाते हैं अपने चॉइस का इमेज या खुद का अपलोड किया है इनके गैलरी से सेलेक्ट करके, तो आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी टोटल आपको 250 प्लस 150, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ 400 रुपये लग जाएंगे इस कार्ड के टोटल, अगर आप अपनी खुद की चॉइस इमेज से बनवाते हैं इस कार्ड को तो। एड ऑन कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है फ्रेंड्स, एड ऑन कार्ड की एनुअल फ़ी भी नहीं है फ्रेंड्स, और एड ऑन कार्ड की अगर आप पर्सनल इमेज या फिर इनके गैलरी से इमेज सेलेक्ट करके बनवाते हैं तो उसके लिए भी आपको 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। कार्ड रिप्लेसमेंट अगर आप कराते हैं तो फिर, अगर आप नॉर्मल कार्ड लेते हैं तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट फ़ीस नहीं है, बट अगर आप उसी इमेज कार्ड को दोबारा बनवाते हैं या फिर कोई भी और इमेज कार्ड दोबारा बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस फ्रेंड्स 150 रुपीज़ आपको लग जाएगी। बाकी कार्ड्स जैसे आप देख सकते हैं उनकी कोई रिप्लेसमेंट चार्जेस नहीं होते हैं। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं ब्रांच में जाके तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे फ्रेंड्स। डुप्लीकेट स्टेटमेंट की या फिर चार्ज स्लिप रिट्रीवल की कोई फ़ी नहीं है। आउटस्टेशन चेक भी फ्री है इसका फ्रेंड्स। मोबाइल अलर्ट्स, आपको हॉटलिस्टिंग चार्जेस, बैलेंस इंक्वायरी, ये तीनों आप कर सकते हैं एक्सिस बैंक के एक्सिस मोबाइल ऐप से, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब ये देख लेते हैं इस कार्ड के फाइनेंस चार्जेस को। तो फ्रेंड्स इसका फाइनेंस चार्जेस 3.25% पर मंथ है, जो कि ईयरली 46.78% होता है प्लस GST। कैश विड्रॉल फीस इस फ्रेंड की इस कार्ड की 2.5% है, जो कि मिनिमम 250 रुपीज़ होता है, जो भी हायर होगा वो आपको लगेगा।
या तो आपकी विड्रॉल फीस की जो 2.5% होगी अगर वो ज़्यादा है तो वो लगेगी, नहीं तो 250 रुपीज़ आपको लगेंगे। ओवरड्यू या फिर पेनल्टी लेट फाइन का फ्रेंड्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, ये यहाँ दे रखा है इन लोगों ने। ये हर्ड कार्ड की लगभग सेम है। ओवर लिमिट पेनल्टी फ्रेंड्स आपको 3% लगती है ओवर लिमिट अमाउंट की, या फिर 500 रुपीज़ जो भी ज़्यादा होंगे वो आपको लगेंगे। चेक रिटर्न या फिर डिजोनर या फिर ऑटो डेबिट रिवर्सल होता है तो उसकी फ़ीस आपको 300 रुपीज़ है फ्रेंड्स। परचेज पे जैसे आप IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो वो जो नॉर्मल चार्जेस जो लगते हैं जो IRCTC ने प्रेस्क्राइब कर रखा है वही लगेंगे फ्रेंड्स आपको। फॉरेन करेंसी की जो ट्रांजेक्शन फ़ी है वो 3.5% आपको लगेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू का प्लस GST। रिवॉर्ड पॉइंट रिडीमशन फ़ी कोई नहीं है फ्रेंड्स, आप रिवॉर्ड पॉइंट को फ्री में रिडीम कर सकते हैं किसी भी वाउचर में या फिर किसी भी प्रोडक्ट के लिए। और GST एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टर्म्स जो कि अभी 18% चल रही है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा। आइए देख लेते हैं इस कार्ड की वैल्यू चार्ट को। देख सकते हैं फ्रेंड्स डाइनिंग स्पेंड्स अगर आप करते हैं 1000 की मंथली तो उस पर आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फ्यूल स्पेंड्स 3000 पे आपको 150 रुपये कैशबैक मिलेगा। सुपरमार्केट स्पेंड्स 2000 पे आपको 100 रुपये कैशबैक मिलेगा। यहाँ मैंने आपको जैसे बताया था किसी दो कैटेगरीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, लाइक यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेंड्स, सुपरमार्केट स्पेंड्स या फिर फ्यूल या फिर डाइनिंग और एक ट्रैवल स्पेंड्स, इनमें से आप कोई दो सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मंथली स्पेंड्स अगर आप 13,500 की करते हैं तो आपको इस पर 12,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। टोटल मंथली कैशबैक आपको 250 रुपये का मिल रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि आप जो सेलेक्ट करेंगे लाइक कैटेगरी उसी के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एनुअल बेनिफिट्स इस कार्ड की फ्रेंड हो गई 1000 रुपीज़ का कैशबैक और 2040 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये इन्होंने यहाँ 12,000 क्यों लिखा है ये मुझे समझ नहीं आया, बट फ्रेंड्स आई थिंक क्या 1200 होना चाहिए। फ्रेंड्स आपने देखा ये माई चॉइस क्रेडिट कार्ड, ये मेनली बस अगर आप चाहते हैं अपने खुद की इमेज की कार्ड या फिर पर्सनलाइज कार्ड तो उसके लिए स्पेशली बनाया गया है ये माई चॉइस कार्ड, नाम से ही आपको पता चलता है फ्रेंड्स। बाकी अगर आपको चाह रहे हैं कोई नॉर्मल स्टार्टिंग में कार्ड अप्लाई करना या फिर ऐसे कार्ड आपको अप्लाई करना जो ईजिली आपके लिए अप्रूव हो जाए तो फ्रेंड्स आप आराम से माई चॉइस क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हैं, वो ईजिली आपको अप्रूव कर दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत लोगों को प्री अप्रूव्ड भी वो कार्ड आता है, बट अप्लाई करेंगे तो भी आपको ईजिली वो कार्ड अप्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारी अगली वीडियो होने वाली है एक्सिस बैंक के माई विंग्स क्रेडिट कार्ड के ऊपर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको कोई भी सवाल हो या फिर सुझाव तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।